आज का ये सत्र हम श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को समर्पित करते हैं, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद में अपने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जो कि हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। तो अभी हम अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं भगवद गीता का। उसका शीर्षक है गीता का सार। अब गीता के सार में जो ये अध्याय 2 है उसमें 72 श्लोक हैं। तो इसमें हमने 5 भागों में इसको विभाजित किया था। हम 4 भाग इसके कर चुके हैं। 1 से 10 में अर्जुन का अनिर्णय था, फिर ज्ञान योग के बारे में बताया, फिर भगवान ने सकाम कर्म, ठीक है ना, इसके बारे में, और उसके बाद में निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग, जो हमने अभी रिविजन किया। तो जो आखिरी इसका भाग है वह है स्थित प्रज्ञ, मुक्त आत्मा के गुण। उसे हम जीवन मुक्त भी कह सकते हैं। तो यह 54 से 72 के बीच में कराया जाएगा। तो आज इसको हम प्रारंभ करेंगे। शायद जो शुरू के 4 श्लोक हैं उन्हीं को हम आज कर पाएंगे। तो इसमें स्थित प्रज्ञ, मुक्त आत्मा के गुण, जीवन मुक्त। तो इसमें क्या था, जो आखिरी श्लोक पिछली बार का था वह क्या था, कोई इसको पढ़ना चाहेगा? भगवद गीता का 53 नंबर का श्लोक है। श्लोक हाँ नंबर जी, माता जी बोलिए। अचल बुद्धि और समाधि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी, जीवन मुक्त की स्थिति। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये सब बता रहे थे कि तुम्हें अपना कर्म, मुझको जो युद्ध करना है तो सिर्फ मुझको ध्यान में रखते हुए युद्ध करो, और ये जो सकाम कर्म है या जो भी वेदों में लिखा हुआ है कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य मिलेगा, उन सब से तुम परेशान नहीं हो। और जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होगा तो तुम्हें आत्म साक्षात्कार की समाधि में मन स्थिर हो जाएगा और तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी, जीवन मुक्ति स्थिति। तो जब भगवान कृष्ण ने ये बोला तो अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? कि अगर ऐसा जो व्यक्ति है जो जीवन मुक्त है या जो स्थिर प्रज्ञ है, या जब दिव्य चेतना किसी को प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति क्या युद्ध करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि अर्जुन जो है सिर्फ अभी इस परेशानी में था कि मुझे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वह बहुत सारे कारण बताता है ना? आपको याद है कुछ कारण जो बताते हैं अर्जुन युद्ध ना करने के, तो बता सकते हैं? जो हमने पहले अध्याय में किए थे अर्जुन के युद्ध ना करने के कारण। उनको ऐसे लग रहा था कि मैं अपने स्वजनों को मार करके साम्राज्य प्राप्त करके क्या करूंगा, उसमें मेरे को क्या सुख मिलेगा। और और दूसरा, उनके खून बहने का मतलब मैं अपनों का खून बहा के मेरा मन नहीं करता युद्ध करने का। मुझे पाप लगेगा है ना, हाँ और उनको जी, दया आ रही है ना। और उन्होंने ये सोचा कि ये सब जो धर्म, स्त्री और पुरुष, ये सब जो हमारा वन ये शंकर, पंचन वन है ना, शंकर। तो इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। तो यहाँ पर अब ये वो यही सोच रहे हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि जीवन मुक्त है, तो कृष्ण भगवान मुझे ऐसा बनने को कह रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या युद्ध करेगा या नहीं करेगा? तो वह बड़े परेशान होते हैं, और इसलिए अगले श्लोक में वह भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना? तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका कोई इसको पठन करना चाहेगा इस श्लोक का? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ मत, हाँ प्रभु जी बोलिए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य एषव, स्थितधीह किं प्रभासेत, किमासीत व्रजेत किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। ठीक है, तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? हे कृष्ण, अध्यात्म लीन चेतना वाले व्यक्ति
कि क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। भगवद गीता 2.54। तो यहाँ पर अर्जुन ने चार प्रश्न पूछे जो अभी आगे आपको बताएंगे कि उनका क्या जो एक्चुअल मीनिंग क्या है, है ना। तो यहाँ पर जब भगवान ने बोला कि जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्त करोगे, तो अर्जुन आगे पूछ रहे हैं कि ऐसा जो अध्यात्म लीन व्यक्ति है तो उसके कुछ लक्षण होने चाहिए, आप मुझे बताइए कि वह कैसे बोलता है, उसकी क्या भाषा है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बोलना, चलना, बैठना, है ना, इससे हम क्या सोच रहे हैं, जैसे कि क्या हमारे दिमाग में आएगा कि क्या अर्जुन जैसे कि कोई बहुत बड़ा इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आजकल कौन प्रसिद्ध होता है, या तो जो खिलाड़ी हैं बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, या फिर बहुत अमीर व्यक्ति है ना, या कोई विद्वान व्यक्ति है ना, बहुत अमीर है, कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, खिलाड़ी है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत, या फिर मूवी स्टार है, तो वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं। तो जो आमतौर पर हम लोग होते हैं व्यक्ति, वह सोचते हैं कि अरे ये तो इतने प्रसिद्ध हैं, ये लोग कैसे रहते होंगे, हमारा मन हमेशा ये सोचता रहता है वह लोग कहाँ बैठते उठते होंगे, वह किस तरह से चलते हैं, वह किस तरह से रहते हैं, क्या खाते होंगे, तो बहुत लोग ये बात सोचते रहते हैं। और अखबार भी इन चीजों से भरा होता है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, तो अखबार वाले भी इस बारे में बताते रहेंगे कि वह मूवी स्टार आज यहाँ गया था, मतलब उनके दिनचर्या के बारे में वह बताते रहते हैं। तो अर्जुन यहाँ क्या पूछ रहे हैं, वह कोई भौतिक व्यक्ति के बारे में नहीं पूछ रहे, वह पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में, जो जीवन मुक्त है ऐसा व्यक्ति, उसके क्या लक्षण होते हैं, और जब जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि उसकी क्या भाषा होती है, वह कैसे बैठता है, तो इसका कुछ आंतरिक, है ना, बहुत गहरा कोई मतलब है। ये सीधा मतलब नहीं है कि उसका बैठना चलना नहीं, इससे हम आगे समझेंगे कि इससे क्या पूछना चाह रहे हैं। और जैसे कि हम कहते हैं कि उसकी क्या भाषा है, तो भाषा से यहाँ मतलब ये है कि जैसे कि कोई चीज को हम कभी कोई विस्तृत रूप में बताना चाहे किसी को, है ना, डिस्क्राइब करना चाहे, तो अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति तो कैसे आप हमें समझाएंगे, उसके क्या लक्षण है। तो अब अर्जुन जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं उसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि है, तो अर्जुन के इस प्रश्न के पीछे क्या पृष्ठभूमि है। हम जानते हैं कि अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, ठीक है, वह भगवान के सखा हैं, है ना, तो भगवान ने उनको भगवद गीता सुनाई, है ना, उन्होंने बड़े बड़े व्यास देव मुनि है, नारद मुनि, उनको नहीं सुनाई, क्योंकि अर्जुन वह कहते भी है ना, भक्तो असी में सखा चीति, क्योंकि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें भगवद गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने पहले ही बताया कि अर्जुन तो शुद्ध भक्त हैं, वह कैसे इस भ्रम में पड़ सकते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि को कृष्ण भगवान ने योग माया से आवृत कर दिया था, ढक दिया था, इसलिए वह भ्रम में हुए और वह युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, और इसी कारण भगवद्गीता बोली गई। अगर वह भ्रम में नहीं पड़ते, योग माया से आवृत नहीं होते, तो हमारे भले के लिए भगवद्गीता नहीं बोली जाती, तो इसीलिए अर्जुन को भगवान ने योग माया से आवृत कर दिया था। अब अर्जुन जो है वह अभी तक क्या सोच रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और उनके दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे युद्ध लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। और तो वह जब भी कृष्ण भगवान कोई श्लोक बोलते थे तो वह उस पर ज्यादा ध्यान देते थे जो कि उनकी विचार प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने उन कृष्ण के उन उपदेशों पर ध्यान केंद्रित किया जो उनकी विचार प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। जैसे कि आमतौर पर हम जब कभी कोई प्रवचन सुन रहे होते हैं, है ना, प्रवचन सुनते हैं, या हम कहीं भी जाते हैं, या कोई क्लास अटेंड करते हैं, तो हमने देखा कि आमतौर पर 80% एक कान से हम सुनते हैं और दूसरे कान से निकल जाता है, हम भूल जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते, और जो 20% हम ध्यान देते भी हैं, वह हम उस चीजों पर ध्यान देंगे उस प्रवचन में जो कि हमारे काम के लिए, हमारे उपयोग में आए, या हमारे जो ऑलरेडी विचार हैं उनसे मेल झोल हो रहा हो, उसका उससे मिल रहे हो, तो हम उन पे ध्यान देंगे, है ना, अगर हम उनसे अग्री करते हैं तो हम उन पे ध्यान देंगे, या फिर हमारे विचारों से बिल्कुल अलग हो तो हमारा ध्यान उन पर पड़ता है, नहीं तो हम कोई भी प्रवचन सुनते हैं और वह हम भूल जाते हैं।
तो इसी प्रकार से अर्जुन भी इसमें यही कह रहे थे। जब श्लोक नंबर इसमें 41 में भगवान कहते हैं ना धुरेन हैवर कर्म, तो उससे भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे थे कि तुम इन हई अवरम कर्म से दूर रहो, मतलब कि जो कि कर्म कांडी चीजें हैं या सकाम कर्म है, इन कर्मों से तुम दूर रहो। लेकिन अर्जुन के मन में क्या था कि हई अवर कर्म क्या है, ये लड़ना भी तो एक हई अवर कर्म है, तो मैं नहीं लड़ाई करूंगा, है ना, ये लड़ना भी तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने उसको इस तरीके से लिया, जबकि भगवान कहना चाह रहे थे कि कर्म कांड के कार्यों से तुम दूर रहो। इसी प्रकार जब आखिरी श्लोक में पिछली बार के जो 53 श्लोक थे उसमें जब भगवान कहते हैं समाधि वचला बुद्धि, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से अपनी बुद्धि योग से तुम समाधि में स्थित हो अचल बुद्धि से। तो फिर वे सोचने लगे कि अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि समाधि में स्थिर है अचल बुद्धि है, तो वैसा व्यक्ति लड़ाई करेगा या नहीं करेगा, जबकि भगवान अभी जो आखिरी जो हमारा सेक्शन है 38 से 53 उसमें लड़ाई के बारे में उन्होंने कुछ श्लोक नहीं बोला। 37-38 में उन्होंने कहा था, 37 में तो ये कहा था कि तुम लड़ोगे जीत गए तो स्वर्ग मिलेगा और हारोगे तो पृथ्वी, मतलब हार गए तो स्वर्ग मिलेगा और हार गए तो पृथ्वी पर भोग करने को मिलेगा। और 38 में वे कहते हैं कि तुम युद्ध करो लेकिन इस चीज की चिंता मत करो कि तुम्हें मतलब इससे विजय मिलेगी या पराजय मिलेगी। तो उसके बाद 38 के बाद में उन्होंने लड़ने के बारे में नहीं कहा, लेकिन फिर भी अर्जुन इस श्लोक में ये सोचने लग जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या लड़ाई करेगा। तो इसलिए भगवान से वो फिर पूछते हैं कि जो अचल बुद्धि वाला व्यक्ति है उसके क्या लक्षण है, वह कैसे चलता है बैठता है। तो ये उनके प्रश्न की पृष्ठभूमि होती है। और अर्जुन विशेष रूप से उन छंदों को नजरअंदाज कर देते हैं जो लड़ाई की बात कर रहे थे, जिसमें भगवान उन्हें कहते हैं कि लड़ाई करो, जैसे कि युद्धाय कृत निश्चय, निश्चय करके अपना युद्ध करो, ततो युद्धाय, जिसमें युद्ध में अपने आप को लगा दो, आप इसमें कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन इस प्रश्न को पूछते हैं क्योंकि उनके मन में ये चल रहा था कि स्थिर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जीवन मुक्त व्यक्ति क्या लड़ाई करेगा। तो अब वह इस श्लोक में जो आज का 54 श्लोक अभी हमने बताया आपको, उसमें कुछ उन्होंने प्रश्न पूछे थे। तो हम देखेंगे कि जब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं तो भगवान उनको अगले श्लोक में उत्तर देते हैं, ठीक है ना। तो स्थित प्रज्ञ को हम आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति भी कह सकते हैं, जीवन मुक्त भी कह सकते हैं, या समाधि स्थित है, समाधि अधिक चेतना है। तो उनका प्रथम प्रश्न क्या था, का भाषा, उसके सामान्य लक्षण क्या है। इसका उत्तर भगवान कृष्ण 55 इससे आगे वाले श्लोक में देते हैं। अब हम जब अभी आपको बताया था कि भाषा से क्या अर्थ है, भाषा से एक शब्द आता है भाष्य, है ना। हमने सुना हुआ कि जैसे कि भगवद गीता एज इट इज जो कि प्रभुपाद ने लिखी है ना, वो एक कमेंट्री है, उसको हम कह सकते हैं वह भाष्य है। और कुछ जो प्रभुपाद के शिष्य हैं जैसे कि भुरीजन प्रभु वगैरह, उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, तो वह प्रभुपाद की भगवद गीता को ध्यान में रखते हुए उस पर टीका लिखी है, तो उसको हम कह सकते हैं सब कमेंट्री लिखी है। तो ये जो भाष्य है या टीका है, और इससे हम क्या समझते हैं कि वह हमें उसके बारे में पूरा विस्तृत चर्चा कर रहे हैं उसमें, है ना। तो कोई भी चीज को डिस्क्राइब करना, तो हम कह सकते हैं कि उसको भाष्य कह रहे हैं। तो भाषा से यहाँ पे जो अर्थ लिया है उसमें अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के सामान्य लक्षण क्या है, ठीक है, सामान्य लक्षण क्या है। तो इसका उत्तर भगवान देंगे 55 में। फिर दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं कि किम प्रभाषित, कैसे बोलते हैं। तो इसमें डायरेक्ट ये नहीं है बोलना, वो इसमें ये मतलब अर्थ है कि जब उसे किसी व्यक्ति को जो स्थित प्रज्ञ है उसको प्रशंसा मिलती है, या उसको दोष, उसमें दोष देखा जाता है, या उसे स्नेह मिलता है या घृणा मिलती है, है ना। ऐसे द्वंद्वों से वह बाहरी आंतरिक रूप से क्या कहेगा, तो ऐसे द्वंद्वों के प्रति उसका क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर उसे प्रशंसा मिल रही है या दोष हो रहा है मिल रहा है, या स्नेह मिल रहा है घृणा मिल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे प्रतिक्रिया करेगा। तो उसका उत्तर भगवान 56 और 57 में देते हैं। फिर किम आसीत, वह कैसे बैठता है। तो इसका मतलब ये नहीं बैठना, उसका जो अर्थ है वह है कि जो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वह कैसे अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से रोक सकता है। हम देखते हैं कि हमारी इंद्रियां हैं और
चारों तरफ भौतिक जगत में इंद्रिय विषय है जिन्हें हम भोगना चाहते हैं। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वह कैसे अपने आप को कंट्रोल करता है, कैसे इनसे रोकता है, तो वह प्रश्न है कि किम आसीत, वह कैसे बैठता है। इसका उत्तर 58 से 53 में देते हैं। और किम व्रजेत, तो व्रजेत का मतलब जो संस्कृत मीनिंग है वह चलता है, लेकिन इससे जो अर्थ निकल रहा है वह क्या है कि इंद्रिय विषयों का जवाब कैसे देता है। मतलब कि जब वह इंद्रियों को रोकता तो है दूसरे इंद्रिय विषयों से, लेकिन वह इस संसार में अगर वह अपनी इंद्रियों को रोकेगा तो फिर वो कैसे रह पाता है, कैसे उनको इंद्रियों को वह किसमें लगाता है, है ना, वह कैसे चलता है इस भौतिक जगत में, वह कैसे रहता है। तो इसका अर्थ निकलता है चौथे प्रश्न से। तो इनका उत्तर देते हैं भगवान 64 से लेके 71 तक। तो आज हम सिर्फ पहले दो प्रश्नों का उत्तर करेंगे और अगले सत्र में हम बाकी प्रश्नों को करेंगे। तो जो ये जो 55 नंबर श्लोक है इसमें है एक स्थित प्रज्ञ के लक्षण, कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा? हाँ माता जी, कोशिश करती हूँ, बुक तो नहीं है, ट्राई करूंगी। इसमें से देख के आप पढ़िए जो स्लाइड है। हाँ, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनमेय वात्मना तुष्ट स्थित पर्यस्तयोच्यते। धन्यवाद प्रेम जी। कोई इसका तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? अनुवाद भी पढ़ लूं? हाँ जी। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवद गीता 2:55। हरे कृष्ण। तो अब इसमें इस श्लोक में स्थित प्रज्ञ के फिर लक्षण बताते हैं। भगवान अर्जुन जवाब दे रहे हैं पहले प्रश्न का कि एक स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो हमने देखा प्रजाति यदा कामान, तो भगवान क्या कह रहे हैं, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसका पहला लक्षण क्या हुआ, प्रजहाति यदा कामान। जहाति मतलब त्याग देता है, जो भी इच्छाएं उनके मन से उत्पन्न हो रही है, सारी इच्छाएं जो मन से उत्पन्न हो रही है, सर्व पार्थ मनोगतान, मन धर्म मन धर्म से उत्पन्न सारी कामनाओं को जब वो त्याग देता है तो वह स्थित प्रज्ञ होता है। तो ये पहला उसका लक्षण है। और दूसरा क्या बता रहे हैं कि जब वो सारी इच्छाओं को त्याग देगा तो क्या होगा, उसका मन विशुद्ध हो जाएगा, है ना, आत्मने आत्मना, मन जो है वह शुद्ध हो जाएगा। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो मन जो है वह आत्मा में संतुष्टि प्राप्त करेगा, तुष्ट होगा, तुष्ट मतलब संतुष्ट हो जाएगा, और वह दिव्यशुद्ध विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होगा, मतलब स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो मुख्य लक्षण है, ठीक है ना, एक तो समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया है और दूसरा वह अपनी आत्मा में संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, मतलब वो आत्म साक्षात्कार की तरफ आ रहा है, उसे यह पता चल रहा है कि मैं वह आत्मा और पदार्थ में अंतर कर पा रहा है कि मैं वास्तव में मेरी जो आत्मा है उसकी जो मुख्य जो सेवा है वह है परमात्मा की सेवा करना। जब उसे ये पता चल जाता है तो उसे जब ये रियलाइज हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो वह जो होता है बहुत संतुष्टि उसको प्राप्त होती है, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वह क्या है, आनंद, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। हमने बताया था आपको पिछले हफ्ते में कि आत्मा सूक्ष्म तरीके से परमात्मा का एक सूक्ष्म हिस्सा है, है ना, वह हम कह रहे थे कि हम कह सकते हैं कि मात्रा में कम है लेकिन उसकी सारे जो गुण होते हैं वह परमात्मा जैसे गुण है। तो उसका जो असली सुख है वह उसको बहुत सुखी रहना चाहती है, खुश रहना चाहती है। तो जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो हमें बहुत संतुष्टि और खुशी प्राप्त होती है, और वह संतुष्टि क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि हम परमात्मा की सेवा में लगे हैं। तो जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी चेतना इतनी शुद्ध हो गई है तो उस व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि भगवान
स्थित प्रज्ञ के दो लक्षण बता रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि हम कहें कि किसी को कोई बीमारी, जैसे अभी कोविड चल रहा है ना, तो कोविड के कुछ संभावित लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलने लग जाता है कि ये हमें बीमारी होने वाली है ना। जैसे शरीर में दर्द हो रहा है या फिर जो भी, ये सब आप सभी जानते हैं अब तो कोविड के बारे में। तो उसी प्रकार से इसके जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसको भी हम देखकर पहचान जाते हैं कि हाँ इसमें विरक्ति आई है, ये कामनाओं से दूर है, इसका मन कितना शांत है ना, ये एक शुद्ध भक्त है। हम पहचान जाते हैं उसकी बातों से, उसको देखकर, है ना। जैसे कि एक धनवान व्यक्ति है तो उसको देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये बहुत धनवान व्यक्ति है, उसके कुछ लक्षण नजर आते हैं। कोई विद्वान व्यक्ति है तो उसकी विद्वता से हम पहचान जाते हैं कि ये विद्वान व्यक्ति है। कोई मूर्ख है तो उसकी बातों से हम पहचान जाते हैं कि ये मूर्ख है। उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है उसको भी हम उसके लक्षणों से पहचान पाते हैं, है ना। और फिर प्रभुपाद इसके तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कृष्ण भावना अमृत में आदमी कैसे बोलता है। वाणी किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। तो हम जैसे बोल रहे ना कि हम कुछ बोलते हैं, बोलने से हम आदमी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, क्योंकि बोलना जो है बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है किसी भी व्यक्ति का, है ना। वाणी, वाणी कितनी, वाणी से हमें व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि वाणी से हम पहचान जाते हैं, तो स्थित प्रज्ञ की वाणी से, उसके लक्षण से हम उसको पहचान पाएंगे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावृत है वह क्या कहेगा, वह हमेशा क्या कहेगा, भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में कहेगा। तो कृष्ण भगवान से जो भी चीजें जुड़ी हुई है, उनकी कथाएं है, भागवतम है, उसके बारे में ही चर्चा करेगा। वह कभी भी भौतिक जो हमारे टॉपिक्स है उनके बारे में कभी चर्चा नहीं करेगा। तो हम पहचान जाएंगे कि ये एक शुद्ध भक्त है, है ना। तो इस प्रकार से हम पहचान जाते हैं ये शुक्त भक्त है। जैसे कि अभी जो हमने श्लोक में आपको दिखाया था, तो हमने भक्ति विनोद ठाकुर की फोटो लगा रखी थी उस श्लोक में जो ये था। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी एक बहुत शुद्ध भक्त थे। कोई जानते है कौन थे भक्ति विनोद ठाकुर? भक्ति विनोद जी, हाँ बोलिए क्या। भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे, इस पिक्चर में दिख रहे हैं आपको ये? हाँ माता जी, ये तो बहुत बड़े हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर को हमने इस पिक्चर में क्यों लगाया था, क्योंकि ये एक स्थित प्रज्ञ है ना। तो इसलिए लगाया था क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जो है वह प्रभुपाद के परम गुरु है। प्रभुपाद के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो पिताजी थे इनके, और उनके शिक्षा गुरु थे वह भक्ति विनोद ठाकुर थे। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन एक गृहस्थ होने के बाद भी वह एक स्थित प्रज्ञ थे, क्योंकि हमने उनके बारे में ये पढ़ा है कि उनकी दिनचर्या क्या रहती थी। वह एक मतलब वो जो जब ब्रिटिशर्स हम लोगों पर रूल कर रहे थे उस वक्त वह वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। ब्रिटिशर्स ने उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोजिशन दी थी, वह लॉयर थे। तो जब वह, लेकिन वह भक्ति में लगे हुए थे, वह किताबों का अनुवाद करते थे, किताबें लिखते थे, भगवान की सेवा करते थे, जाप करते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी सेवा से निवृत्त होना चाहता हूँ। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं, आप तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, और उन्होंने कहा कि आपके समय को बचाने के लिए हम आपके घर से कोर्ट तक रेलवे लाइन बिछा देंगे। तो जब हम जाते हैं वेस्ट बंगाल में और भक्ति विनोद ठाकुर के घर जाते हैं, तो कुछ सालों तक तो हमें वो रेलवे लाइन दिखाई देती थी जो कि उनके घर से कोर्ट तक जाती थी कलकत्ता में। तो वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इतने ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे, फिर भी वह सिर्फ मात्र 2 घंटा सोते थे, 10 से 12, और 12 से लेकर सुबह तक वह किताबें लिखते थे। उसके बाद अपना जाप करते थे, जाप करके प्रसाद पाके, और प्रसाद में भी क्या, 1-2 चपाती बहुत ही कम खाते थे, और फिर कोर्ट की ड्यूटी करते थे, रेस्ट करते थे। तो इस प्रकार से वह एक स्थित प्रज्ञ थे, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि गृहस्थ होके भी हम कैसे है भगवत भक्ति को अपने दिनचर्या में लेके आ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने देखा। अब कोई से पढ़ना चाहेगा? हाँ
हाँ माता जी, कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख तो तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अभी हमने आपको ये बताया कि जब मूर्ख है कोई तो वह अपने आप को बलि से बन ठन कर आए किसी सभा में, है ना, लेकिन जैसे ही वह बोलेगा, जैसे हम अभी आप तो यही समझा रहे थे कि बोलना कितना महत्वपूर्ण है किसी की बोली, तो जब वह बोलेगा सब उसका पता चल जाएगा कि ये तो मूर्ख है बिल्कुल, तो सब लोग उस पर फिर हंसेंगे। तो हम हमारी मूर्खता को किसी चीज से ढक नहीं सकते, वाणी से सब कुछ पता चल जाता है। तो इसमें वाणी की महत्वता को बताया गया है। अभी हमने जो श्लोक में हम जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा कर रहे हैं इंद्रियों को वश में करना, है ना, इंद्रियों को, जैसे कि सारी जो इच्छाएं हमारे मन से जो पैदा होती हैं उनसे हम अपने आप को कैसे रोक सकते हैं। तो थोड़ा सा हम ये इंद्रियां क्या होती हैं, इंद्रियां विषय क्या होते हैं, विषय इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहे थे। तो हमें पता ही है कि ये पांच इंद्रियां होती हैं, है ना, जिनसे हम सब कुछ कर पाते हैं, जैसे कि देखना है, सुनना है ना, सूंघना है, या फिर जीभ है, इसको हम टेस्ट कहते हैं, कुछ भी चीज का स्वाद लेना है, या हम जब किसी को स्पर्श करते हैं तो उसको कहते हैं टच, है ना। तो ये हमारी पांच इंद्रियां हैं, और जो ये इंद्रियां हैं ये हमेशा किसी ना किसी विषय भोग की वस्तु की तरफ आकर्षित होती रहती है। आंखों को कुछ अच्छा अच्छा देखने की इच्छा होती है, जैसे कि ये टीवी की पिक्चर लगा रखी है हमने, इसे हम टेरिबल वायरस कहते हैं। तो ज्यादातर आमतौर लोग इस दुनिया में क्या करते हैं, टीवी में अपना समय बर्बाद कर देते हैं ना, तो उनकी आंखों को टीवी देखने की, तो वो एक विषय भोग की वस्तु हो गई, इंद्रिय विषय हो गया। सुनने के लिए अलग अलग वह फिल्मी गाने सुनेंगे, है ना, किसी को आदत होती है तो ये कान की संतुष्टि के लिए, सुनने की संतुष्टि के लिए वह विषय भोग कर रहे हैं, है ना। सूंघने की है तो वह जब भी कोई खाने की गंध आएगी या फिर वह बहुत महंगे महंगे परफ्यूम लगाएंगे तो सबको उससे आनंद की प्राप्ति होती है सूंघने से। फिर खाने का तो सबको पता ही है, जब हमें स्वाद लगता है किसी चीज का तो हम उटपटांग खाने लगते हैं, हम अपने आप को वश में नहीं कर पाते। और स्पर्श है तो हम इसको तो जानते ही हैं, सब लोग स्पर्श के माध्यम से आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के इंद्रियां हैं और इंद्रिय भोग की वस्तुएं हैं, ठीक है ना। तो अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं कि सारी जो इच्छाएं मन से जागृत हो रही हैं, कामनाएं, उनको वश में जो करता है वह स्थित प्रज्ञ है। तो अब हमने अभी तो देखा कि कैसे इंद्रियां इस भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति आकर्षित होती है, लेकिन भारी आध्यात्मिक ज्ञान की वस्तुएं भी होती है। जो कृष्ण भावित व्यक्ति होगा वह किसके प्रति आकर्षित होगा, वह जब देखेगा तो वह देखना चाहेगा भगवान के दर्शन करना चाहेगा, है ना, भगवान के दर्शन करना चाहेगा मंदिर में जाके। तो वह अपनी इंद्रियां जो कि आंख है उसको कैसे संतुष्ट कर रहा है, भगवान के दर्शन पाकर, है ना। और दूसरा वह कीर्तन को सुनेगा, भजन सुनेगा, तो इसके माध्यम से अपने कानों को संतुष्ट करना चाहता है। जो जीभा है, जीभा का प्रयोग वो करेगा बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना, तो इस प्रकार से वह गीता का पठन करेगा, है ना, और फिर प्रसाद खाने के लिए। तो जीवा का क्या प्रयोग कर रहा है, भगवान के मंदिर में आके प्रसाद खाने के लिए। तो यह जो चीजें हैं, कोई कह सकता है कि ये भी तो सब इंद्रियों के लिए है, लेकिन यह क्योंकि अध्यात्म से जुड़ी हुई है, है ना, तो ये हमें भगवान से जोड़ेंगी। जब भगवान से हमें जोड़ेंगी तो फिर हमारा मन शुद्ध होगा। तो चाहे हम ये भारी चीजें करें, है ना, क्योंकि शुरू शुरू में जब हम नए भक्त होते हैं तो हमें इन सब चीजों की जरूरत होती है। मंदिर में जाके दर्शन करेंगे तो हमारा मन कृष्ण में लगेगा, है ना, बहुत मुश्किल होता है मन को वश में करना, तो हमें भारी वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है ना, कीर्तन भजन सुनेंगे, कुछ पढ़ना पड़ता है, हमारे मन को वश में रखकर हमें ध्यान लगाना पड़ता है इन सब चीजों में। जैसे कि हम आजकल जो हमारा दूसरा एक ग्रुप चल रहा है उसमें हम एक ये साधना चार्ट करके एक हमने बना रखा है, तो उसमें साधना चार्ट में क्या है कि किस समय आप जाप कर रहे हो तो जाप के कुछ नंबर दे देते हैं, फिर आप किताब पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो उसके कुछ नंबर हैं, फिर हम देते हैं
कि आप कुछ सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। अगर आपने आधा घंटा रोज सुना है तो उसके 10 आपको मार्क्स मिलते हैं। फिर आप सिर्फ प्रसाद खा रहे हो क्या, है ना, आप भगवान की सेवा कर रहे हो क्या, मंदिर में दर्शन कर रहे हो क्या, कोई अन्य सेवा कर रहे हो, तो इस प्रकार से हमने उसमें मार्किंग कर रखी है। तो ये इसको हम साधना जाट कहते हैं। तो उसके माध्यम से हम अपने आप को वश में कर रहे हैं और हम रोज की रोज देखते हैं कि हम कितना अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम नए होते हैं तो हमें इन सब चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम शुद्ध स्तर पर पहुंच जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तो हाँ तब भी हम दर्शन तो करते हैं लेकिन हम उस पर इतने डिपेंडेंट नहीं रहते, है ना, क्योंकि हमारा मन ऑलरेडी शुद्ध हो चुका है और हम आध्यात्म के शुद्ध सत्व में आ चुके होते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें हम करें जिससे हम भगवान की तरफ मुड़े, है ना, क्योंकि हम लोगों को हमारे अंदर देखना है, आत्म साक्षात्कार करना है, अंदर क्या देखना है, आत्मा को, है ना। तो अब इसको हम और भी थोड़ा सा विस्तृत तरीके से आपको बताना चाहेंगे, आंतरिक बनाम बाहरी। तो जैसे कि ये हमारा शरीर है, दिखाई दे रहा है, अब हम कहें कि मन कहाँ है, इसमें आत्मा है, मन है, और जो शरीर से बाहर है उसको हम कहते हैं कि सब बाहरी चीज है। नहीं, अगर हम इसको गहराई से समझें तो जो हमारा मन है वह भी हमारे शरीर के अंदर है भी और नहीं भी। इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कि ये तो हमारी आत्मा है, ठीक है, ये हमारा मन है और ये हमारी शरीर है। तो आत्मा के लिए तो मन और शरीर दोनों बाहरी है, आत्मा सबसे अंदर है। उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे आत्मा को, अगर हम फोकस मान के देखें तो मन और शरीर दोनों आत्मा से बाहर हैं। चाहे हमारे शरीर के लिए हम कह सकते हैं कि मन अंदर है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि अंदर देखो, अंदर देखो, तो ये नहीं है कि हम मानसिक स्तर पर, नहीं, हमें आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर देखना है। क्योंकि मन जो सूक्ष्म शरीर है, मन को भी हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, है ना, आत्मा के लिए मन भी भार की एक चीज है। तो जब हमारे जो मानसिक स्तर पर जो हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं, वह मन इन चीजों को इंद्रियों के द्वारा बाहर की तरफ ले आ सकता है और वही मन हमें आत्मा की तरफ भी मोड़ सकता है। तो मन क्या है, एक रास्ता बन गया, मन एक रास्ता हो गया जो कि हमारी चेतना को भारी वस्तुओं से जोड़ सकता है। और वही मन अगर हम उसको वश में करें, उससे उत्पन्न जो मनोगतान, जो मन से उत्पन्न जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको वश में रख के हम आत्मा की तरफ हमारा वह रास्ता कर सकता है। तो मन को हम एक रास्ता मान सकते हैं जिसके माध्यम से, वो एक माध्यम बन सकता है जिसके माध्यम से हम बाहर की तरफ देखें या अंदर की तरफ देखें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अस्तित्व के तीन स्तर होते हैं। तो स्थूल स्तर पर इंद्रियां, ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा जो ये शरीर है उसमें मुख्यतः इंद्रियां हैं, जिनके बारे में हमने अपनी चर्चा करी कि ये पांच इंद्रियां हैं जो हमें आनंद करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। सूक्ष्म स्तर पर हमारा मन है, लेकिन वह भी शरीर के अंदर है लेकिन आत्मा से तो बाहर है, और आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा है। तो हमने देखा कि, और जो हमारी मुख्यतः जो आत्मा का क्या लक्षण है हमने बताया था, आत्मा का मुख्य लक्षण क्या होता है जिससे हम पहचानते हैं कि आत्मा है, चेतना, है ना, चेतना। हाँ। हाँ जी, चेतना से हम पहचानते हैं कि हम चेतन है। जब मर जाते हैं तो क्या चीज उसमें से चली जाती है, आत्मा, ये हमने डिस्कस किया था। तो जब ये मन, अब देखते हैं कि मन अगर हमें हमारा मन प्रदूषित है, दूषित है, उसमें बहुत सारी कामनाओं की उत्पत्ति हो रही है, तो हमारा मन इंद्रियों को वश में करेगा, इंद्रियों को वह वश में नहीं कर पाएगा और हमारी जो इंद्रियां हैं वह अनियंत्रित हो जाएंगी, है ना। जैसे कि वह घोड़े का एग्जाम्पल देते हैं ना, जिसमें कि सारे घोड़े इधर उधर भागने लगेंगे, घोड़ों को इंद्रियां कहते हैं, है ना। तो जो मन है वह इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएगा, अनियंत्रित इंद्रियां हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि हम सिर्फ इस भौतिक जगत के बारे में जान पाएंगे और हमें क्या प्राप्ति होगी, इस भौतिक दुनिया की, इससे ज्यादा
हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये देख रहे हैं एक एरोप्लेन से जो बॉम्बे है उसका दृश्य लिया गया है। वहां पे भौतिक जगत, भौतिक जगत को हम कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, है ना, जिसमें हम गिर गए हैं। क्यों गिर गए हैं? क्योंकि हमारी मन प्रदूषित है, हमारी अनियंत्रित इंद्रियां हैं, जिसकी वजह से हम इस भौतिक दुनिया में, भौतिक जगत में हैं, जो कि दुखालय है। और भगवान कृष्ण कभी भी खुश नहीं होते देखकर कि ये जो अनंत जीव है, है ना, ये आत्माएं हैं, ये सब इस भौतिक जगत में पड़ी हुई है। भगवान हमें इस भौतिक जगत से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब गुरु, साधु और शास्त्र, जो कि ये गीता शास्त्र है, इससे हम हमारी चेतना को अगर हम परमात्मा से जोड़ते हैं तो हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब हमें भौतिक ज्ञान की नहीं, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारा मन और इंद्रियां शुद्ध हो चुके हैं। किससे शुद्ध हो चुके हैं? क्योंकि हमने गुरु की शरण ले ली है, है ना, शास्त्रों की शरण ले ली है। तो उससे हमारा मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है तो इंद्रियों को हम वश में कर पाते हैं, हमारी कामनाओं को हम दबा पाते हैं। और उसके बाद जब हम कृष्णा भावना भावित होते हैं और हमारे सारे कर्म भगवान के लिए करते हैं, तो हमें गोलोक धाम की, वृंदावन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमने अभी जो आपको समझाना चाहा वह था थोड़ा मन के बारे में, कि मन को हम कैसे आत्मा से बाहर समझ सकते हैं, शरीर के भीतर रहकर भी, और कैसे मन हमें बाहर की तरफ खींच सकता है, या यही मन हमें आत्मा की तरफ ले आ सकता है, जिससे कि हमें आत्म ज्ञान हो, आत्म साक्षात्कार हो। तो इस पर हमने अभी चर्चा करी। अब आगे ये 56 नंबर का श्लोक है, कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक को? जी माता, हाँ जी, हरे कृष्ण। दुखे स्वम द्विग्न मना सुख विग्रह स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिर मुनि रुच्यते। अनुवाद भी पढ़ दीजिए माता। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। भगवत गीता 2.56। धन्यवाद माता जी। ठीक है ना, तो दुखेश्व अनुदिग्न मन सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधा तित भी नीर उच्यते। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। तो हमने देखा कि इस भौतिक जगत में हमेशा दुख सुख आते रहते हैं, है ना, हमें बहुत से दुख मिलते हैं, सुख मिलते हैं। लेकिन जो स्थिर धीर मुनि है, है ना, स्थिर धीर मुनि कौन है? जो कि ऐसा मुनि जो कि इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि वासुदेव सर्वम इति, कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। तो ऐसा मुनि को हम स्थिर धीर मुनि कहते हैं। और वह शुष्क चिंतन नहीं करता। ज्यादातर आमतौर पर जो दूसरे मुनि होते हैं वह शुष्क चिंतन करते हैं, लेकिन जो स्थिर धुर मुनि है वह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका होता है कि भगवान ही सब कुछ है। तो ऐसा मुनि कभी भी मन से जब दुख आते हैं तो विचलित नहीं होता, और जब सुख आता है तो एकदम से प्रसन्न नहीं होता। वह समभाव रखता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो और वह आसक्ति भय और क्रोध से भी मुक्त होता है। तो ऐसे मुनि को हम स्थिर मन वाला मुनि कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने लगा रखा ये प्रभुपाद की पिक्चर। तो प्रभुपाद का ये आखिरी समय था, जब भी हम देख रहे हैं कि वह अनुवाद कर रहे हैं किताबों का। वह किसी भी क्षण शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं छोड़ रहे। वह आखिरी समय तक भी किताबों का अनुवाद करते हैं। तो हम प्रभुपाद को भी एक स्थिर धीर मुनि कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि प्रभुपाद के जीवन में बहुत मुश्किलें आई जब वह वृंदावन में रहते थे, है ना, और जब वह मात्र 26 साल के थे, है ना, वह गृहस्थ थे, और उन्हें अपने गुरु महाराज से मिलने का मौका मिला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जब वह एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वह कहीं पीछे बैठे हुए थे, और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्हें देखते हैं तो वह उन्हें कह देते हैं कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम विदेश में जाकर प्रचार करो और इंग्लिश में किताबें लिखो। अभी तक
उनका कोई इससे पहले मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ प्रभुपाद को देख के उन्होंने उनको आदेश दिया। और बाद में जब उनके गुरु बने तो प्रभुपाद ने इसी आदेश को अपना सब कुछ माना, अपना पूरा जीवन इस आदेश पर समर्पित कर दिया। उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद की इतनी सारी किताबें और विदेश में जाकर प्रचार किया, विदेश में जाकर इतने सारे भक्त बनाए। तो उन्होंने, लेकिन उनको बहुत मुश्किलें भी इसमें आई। जब है विदेश गए तो उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे, उनको हार्ट अटैक आया रास्ते में। सुमोती मुरार जी उन्हें कहती हैं कि तुम 70 साल के बूढ़े हो, मुश्किल में पड़ जाओगे, क्यों जाना चाहते हो? लेकिन वह दृढ़ निश्चय थे, उनका बहुत दृढ़ निश्चय था कि प्रचार करना है। तो भी वह बाहर गए, वहां पर उन्होंने कैसी कैसी स्थिति में रहे, और कुछ भक्त लोग उन पर आक्रमण भी कर देते थे, उनके उनको बहुत मुश्किलें सामने आई, लेकिन वह उससे विचलित नहीं हुए। और जब बाद में उनको सक्सेस मिला तो उसके बाद उन्होंने इतने सारे मंदिर खोले जगह जगह पूरे संसार में, है ना। उसके बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मैं आराम से कहीं भी अपने किसी मंदिर में रह के भक्ति कर सकता हूँ, नहीं। फिर भी वह इस उम्र में भी इधर से उधर यात्रा करते थे और भक्तों को प्रेरणा देते रहते थे। तो ये नहीं कि जब उन्हें सुख मिला तो वह उससे विचलित हुए, जब दुख मिला तो विचलित हुए, नहीं। वह भगवान की सेवा में दृढ़ रहे। और जो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं वह कभी भी किसी के प्रति आसक्त भी नहीं होते, वह आसक्ति से दूर होते हैं। नहीं वह विरक्ति की भावना होती है उनमें कि इससे अटैच हो रहे हैं उससे, नहीं। अगर वह किसी चीज से आसक्त हैं तो वह सिर्फ कृष्ण भक्ति से आसक्त रहते हैं, उन्हें बाकी किसी चीज में भी कोई आसक्ति नहीं होती, है ना। और जैसे प्रभुपाद बिल्कुल भय से ही मुक्त थे, क्योंकि वह जीवन मुक्त थे तो उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भरता थी। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं, जैसे कि हम जब भक्त बन जाते हैं तो हमारे डर, हमारी जो चिंताएं होती हैं वह हम देखते हैं कि स्वतः ही कम हो जाती हैं, है ना। हमें महसूस होगा कि हम अब इतने नहीं डरते किसी भी चीज से जैसे पहले डरते थे। तो क्यों? और क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारी परेशानियां हैं ये तो बहुत छोटी हैं कृष्ण के सामने। कृष्ण तो अनंत है और हमारी परेशानियां बहुत छोटी हैं। तो जब हमें ये ज्ञान हो जाता है तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं लगता। प्रभुपाद बिल्कुल भयभीत नहीं होते थे किसी भी स्थिति से, उन्हें कोई भी भय नहीं लगता था। और क्रोध से मुक्त, जो स्थिर धीर योनी है वह क्रोधित भी नहीं होता। और क्रोध क्यों नहीं आता? चाहे उसे सफलता मिले चाहे असफलता मिले तो भी वह कभी भी क्रोधित नहीं होता, है ना। क्योंकि उसे पता है कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे जीवन में उसके पीछे भगवान कृष्ण का हाथ है, क्योंकि भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्योंकि उसे ये बहुत ज्यादा विश्वास और दृढ़ भगवान में फेथ है कि जो भी कुछ हो रहा है वह मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, तो इसलिए वह कभी परेशान नहीं होता। तो स्थिर मुनि हमेशा आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होता है, चाहे उसे कुछ भी मुश्किल का सामना करना पड़े या कुछ भी खुशी मिले। लेकिन अगर भगवान की सेवा करने के लिए उसे कोई मौका मिल रहा है तो वह कभी भी पीछे नहीं हटता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और इसी को हम जो एक उदाहरण से समझा सकते हैं कि आप लोगों ने ये प्रहलाद महाराज की कथा तो सुनी होगी, तो जो 57 नंबर श्लोक है इसका अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा? 2.57 का अनुवाद है इसका। हाँ माता जी, पढ़ू? इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न असुख के प्राप्त होने पर उसे गणना करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हरे कृष्ण। तो इसमें भी जो 57 है, हमने देखा 56वें और 57वें भगवान कृष्ण किसका उत्तर दे रहे हैं कि वह कैसे बोलता है, है ना, ठीक है ना, वह कैसे बोलता है, वह द्वंद्वों के बीच में कैसे प्रतिक्रिया करता है। तो इसमें भी 57वें भी यही है कि इस भौतिक जगत में रहता हुआ व्यक्ति जब शुभ की प्राप्ति होती है तो हर्षित नहीं होता, जब उसे अशुभ की प्राप्ति होती है तो उससे घृणा भी नहीं करता, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। तो इसका भी जो मतलब है वह वही है कि हमें किसी भी अवस्था में बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना है, समभाव रखना है। तो इसमें हमने जो ये पिक्चर लगा रखी है, आपको कथा पता ही होगी, ये प्रहलाद महाराज की कथा है नरसिंह देव की, है ना। तो हमने देखा कि जो प्रहलाद महाराज हैं
यहाँ पर है नरसिंह भगवान ने जब ये रूप लिया तो वहां सभी देवी देवताएं हैं, ब्रह्मा जी हैं, है ना, लक्ष्मी जी हैं, सब नारद मुनि सब लोग थे वहां पर, लेकिन सब लोग बहुत डरे हुए थे भगवान के इस रूप से। लेकिन प्रहलाद महाराज वह बिल्कुल भयभीत नहीं थे, वह बिल्कुल नरसिंह भगवान से नहीं डरे और जाके उन गोद में बैठ गए, तो उन्हें बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि तो प्रहलाद महाराज एक स्थिर धर्म मुनि थे। हमें पता ही है कि प्रहलाद महाराज की कथा में उन्हें कितनी कितनी यातनाएं दी गई, है ना। उनके पिता जो हिरण्यकश्यप थे वह उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए वह उन्हें मारना चाहते थे, उनको उसने मतलब बहुत सांपों के बीच डाल दिया, उनको जो हाथी के से रौंदना चाहा, उन्हें पहाड़ी से फेंक दिया, उन्हें इतने दुख देने चाहे, लेकिन वह सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते थे, भगवान का स्मरण करते थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, भगवान ने उन्हें हर मुसीबत से बचाया। तो इतना दृढ़ विश्वास है, इसीलिए वह एक स्थिर धर्म मुनि है जो कि दुख आने पर भी विचलित नहीं होता। और अत्यधिक तो ये हमने देखा कि उन्हें इतने दुख आए लेकिन वह विचलित नहीं हुए और अंत में उन्हें भगवान के दर्शन भी हुए, है ना। इसी प्रकार से एक और कथा से हम ये देखते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा हमें खुशी मिल जाए, और जैसे कि अगर बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए तो हम कई बार खुशी में कुछ गलती कर बैठते हैं, है ना, तो वह भी हमारे पतन का कारण हो सकती है ना, वह हमारी असफलता का कारण हो सकती है, बहुत ज्यादा खुशी भी। तो उसको हम एक कथा से आपको बताना चाहेंगे कि कैसे अगर हमें बहुत ज्यादा किसी चीज से खुशी हो रही हो और हम उस खुशी में कैसे कोई गलती कर सकते हैं जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़े। तो आपने ये पिक्चर देख रहे हैं, इसको देख के आप कुछ समझ सकते हैं क्या है, किसकी किसको मारा जा रहा है यहाँ पर। ये जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में जब 12वें-13वें दिन द्रोणाचार्य जब सेनापति बने, भीष्म पितामह की जब मृत्यु हो जाती है, तो जब द्रोणाचार्य एक व्यूह की रचना करते हैं, है ना, उस व्यूह की रचना में वह अभिमन्यु को मारने का पूरा उनकी प्लानिंग होती है। तो जब अभिमन्यु की जब हत्या हो जाती है तो अर्जुन एक व्रत लेते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जयद्रथ जो कारण बनाया अभिमन्यु की मृत्यु को उसको मार दूंगा, और ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा और समाधि ले लूंगा। तो वो इस तरह की प्रतिज्ञा करते हैं। तो जब युद्ध के लिए अर्जुन जा रहे होते हैं व्यूह को चोरते हुए मतलब पार करते हुए, क्योंकि जयद्रथ को पूरा उन्होंने घेर रखा होता है सब महारथियों ने उसको बचाने के लिए, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं दुर्योधन की जो पार्टी थी कि अगर अब जयद्रथ को हमने बचा लिया तो अर्जुन तो समाधि ले लेगा तो हम तो युद्ध जीत जाएंगे, तो जयद्रथ को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब उसको पूरा महारथी घेर के रखते हैं और वह अर्जुन को उस तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं कि वह नहीं पहुंचे, है ना, रोकते रहते हैं। तो अंत में और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्य अस्त से पहले मैं उसे मार दूंगा, अगर सूर्य अस्त हो जाएगा तो मैं समाधि ले लूंगा। तो जब अर्जुन जयद्रथ के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वह जयद्रथ को मारना चाह रहे थे तो सूर्य अस्त होने लगता है। तो एकदम से सब लोग जो दुर्योधन के साथ थे, कर्ण वगैरह, वह सब लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि अब तो सूर्य अस्त हो गया और अब अर्जुन समाधि ले लेगा, और वो सब अपने अस्त्र वस्त्र छोड़ देते हैं और खुशी मनाने लगते हैं। तो खुशी मनाने लगते हैं, इसी बीच में भगवान कृष्ण क्या करते हैं, सुदर्शन से जो उन्होंने ढका होता है सूर्य को, सुदर्शन चक्र को फिर से हटा देते हैं। ये कृष्ण भगवान कर रहे होते हैं, उन्हें सुदर्शन से सूर्य को ढक देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि अस्त हो गया है, लेकिन वह सुदर्शन चक्र को फिर हटा देते हैं। और उस वक्त जब जयद्रथ ने भी अपने हथियार सब रख दिए होते हैं और बहुत खुश हो रहा होता है और कहते हैं कि अर्जुन तुम अब समाधि ले लो और वैसे कुछ बोल रहे होते हैं, तो अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब तुम अपना बाण चलाओ और इस जयद्रथ को इस प्रकार से मारना कि इसका जो सर है वह जमीन पर नहीं गिरे, क्योंकि अगर ये जमीन पर गिर गया तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो इसका सिर इसके पिताजी जो विदाक्षत्र हैं, जो कि तपस्या कर रहे हैं, उनके पिताजी का नाम विदाक्षत्र था, उनकी गोद में गिरना चाहिए। तो अर्जुन इस प्रकार से वाण चलाते हैं, जयद्रथ का सिर जाकर उनके पिता की गोद में गिरता है, और जब
पिता की गोद में गिरता है तो वो अचानक से हड़बड़ाहट में उठते हैं, सिर जमीन पे गिरता है, और जो उनके सिर को जमीन पे गिराते हैं तो उनका भी अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से विदाक्षत का भी अंत हो जाता है और जयद्रथ का भी अंत हो जाता है। तो हमने यहाँ देखा कि जब उन्होंने बहुत ज्यादा खुश हो गए, दुर्योधन के जो महारथी सब लोग थे, तो उस खुशी में उन्होंने गलती करी, अपने अस्त्र छोड़ दिए और फिर उन्हें इसका सामना करना पड़ा। तो हमें कभी भी बहुत ज्यादा जब खुशी है तो हमें संयमित रहना है और इस प्रकार का नहीं, हमें उससे परेशान नहीं होना है, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो इस कहानी से हम यही देखते हैं कि सुख और दुख में हमें संभाव रखना है। तो आज का जो हमने किया उसमें क्या था, सबसे पहले कि कृष्ण को मतलब अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि आत्म साक्षात्कारी के बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं। फिर देखा कि उसके लक्षण क्या क्या है, तो ये बताते हैं कि जो अपनी कामनाओं का त्याग कर देते हैं, आत्मा में संतोष प्राप्त करते हैं, वह आत्म लक्षण है। फिर वह भाषण के बारे में कि वह इसकी कैसे प्रतिक्रिया करते हैं द्वंद्वों के बीच में, मन अविचलित रहता है, क्रोध और भय से मुक्त होता है, अच्छाई बुराई से अप्रभावित होता है, पूरे ज्ञान में दृढ़ होता है, तो वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई कमेंट्स हो या आप लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो बता सकते हैं। क्या माता जी, कोई भी सुझाव है, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा। आप लोगों को आज का इस सत्र समझ में आया सभी को? माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। आपने जैसे प्रश्नोत्तरी चलती है ना, वो भी हम चाहते हैं रिकॉर्ड हो तो हम और वापस रिवाइज करें तो हमें समझ में आए, क्योंकि उस टाइम तो सुनते हैं सब बातें समझ में आती है, अच्छी लगती है, लेकिन बाद में हम हमेशा आप इतना समझाती हो सब समझ में आता है, जब आप पूछते हो तब वापस पूछ जाते हैं, तो प्रश्नोत्तरी भी हमारे रिकॉर्ड में हो तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है माता जी, तो अगली बार से हम। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। आज का आपको सत्य समझ में आया, कोई मुश्किल तो नहीं था ऐसा कुछ? नहीं, बहुत अच्छा लगा माता जी कने पढ़कर सुनकर, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, क्या हमारे को कैसा रहना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, हमारे को वो सब कुछ थोड़ा पता चलता है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम मंत्र 10 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे।